आज की जो क्लास है इसमें हम VC++ में कुछ चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि ये हमने सिलेबस में देखा है कि VC++ में वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट और क्रिएटिंग सोर्स कोड आदि को हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने VC++ ओपन किया, मैंने कल भी आपको बताया था कि वर्क स्पेस के अंदर, यहाँ पर वर्क स्पेस प्रोवाइड होता है, वर्क स्पेस के अंदर कई प्रोजेक्ट होते हैं, कई प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट के अंदर कई फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट्सएप नाम से मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया है, इसके अंदर कई प्रोजेक्ट होंगे, चैट होंगे और कॉलिंग होगी, स्टेटस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानबूझ के इस टाइप से ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कंसोल एप्लीकेशन तैयार किया था, आज हम यहाँ पर एप्लीकेशन विजार्ड या EXE तैयार करके देखेंगे। ये जो GUI है MFC के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन लाइब्रेरी होती है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन विजार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन विजार्ड तैयार किया है और आपको बस दो चीजें ध्यान रखनी है। मेरा जो वर्क स्पेस है उसका नाम है व्हाट्सएप, बहुत जल्दी याद हो जाएगा इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा नाम दिया है, और ये एफ ड्राइव में है, क्लियर है। तो मैं अगर एफ ड्राइव में जाता हूँ, यहाँ पर मेरा जो एफ ड्राइव है, यहाँ पर VCPP जिसके अंदर प्रोग्राम वन बना हुआ है पहले से, तो आप देखिए मैं जब यहाँ पर VCPP के अंदर मेरा वर्क स्पेस तैयार होगा व्हाट्सएप, यानी कि एक फोल्डर बनेगा व्हाट्सएप नाम से, और उसके अंदर प्रोजेक्ट बनेगा चैट नाम से, और वो प्रोजेक्ट किस टाइप का होगा, MFC एप्लीकेशन विजार्ड के द्वारा होगा, क्लियर है। या फिर आज हम लोग फिर से कंसोल एप्लीकेशन ही तैयार करके देखते हैं। तो दूसरा जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों चीजों को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ओके किया, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट आया और एक हेलो वर्ल्ड वाला आया। तो हेलो वर्ल्ड करने से वो एक पहले से प्री डिफाइंड हेलो वर्ल्ड कोड लिख करके हमको दे देता है। तो मैंने यहाँ पर जैसे क्लिक किया, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, हेलो वर्ल्ड वाला। और यहाँ पर हमको क्लास व्यू और फाइल व्यू में उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए फाइल व्यू में सोर्स फाइल चैट नाम से बनी है, और ये सब बनी है, और ये क्लास व्यू है, इसमें कुछ क्लासेस नहीं बनी, केवल मेन फंक्शन बना हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, क्लियर है। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से देखेंगे। तो अब जब मैं अपने फोल्डर पर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए चैट नाम से मेरा एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। तो अब जिस नाम से प्रोजेक्ट बनाएंगे उस नाम से यहाँ पर आपका फोल्डर क्रिएट होता है। फोल्डर के अंदर देखिए ये फाइल्स के स्ट्रक्चर हैं। फोल्डर के अंदर chat.cpp नाम से एक फाइल बनी है, और chat नाम से एक प्रोजेक्ट फाइल बनी है, चैट नाम से एक वर्क स्पेस क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर एक रीडमी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। कंसोल एप्लीकेशन का नाम है चैट, और ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्लियर। इसके बाद कुछ हेडर फाइल, सी की एक हेडर फाइल है, और ये एक सोर्स फाइल है। तो इनको आप ओपन करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ वो ऑटोमेटिक क्रिएट करता है। देखिए ये हेडर फाइल्स जो है उनको इसने इंक्लूड कर लिया है, क्लियर है। दूसरा आप एक सोर्स फाइल है इसको ओपन करके देखिए, इसमें क्या उसने ओपन किया, ये जो सोर्स फाइल है इसमें केवल इसको इंक्लूड किया गया है, यानी ऐड कर दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर डिबग में जाएंगे तो ये फोल्डर जो है वो ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब है कि जब आप अपना कोड रन करेंगे तो डिबग के अंदर आउटपुट फाइल जनरेट होती है, अभी हम वो भी देखेंगे, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब ये chat.cpp है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से पहले से कोड लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ये वही कोड है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था, ये सेम वही कोड है जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ये वाला। और इस कोड को हम वहां पर भी ओपन कर सकते हैं अपने टर्बो सी में, जैसे मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं टर्बो सी में इसको ओपन कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं सी ड्राइव में जा रहा हूँ, और सी ड्राइव में जाने के बाद TC में गया, यहाँ बिन में गया, और मैंने अपनी फाइल को यहाँ पेस्ट कर दिया। इसका नाम है chat.cpp। अब देखिए मैं टर्बो सी में इसको कैसे ओपन करता हूँ, तो जब मैं इसमें टर्बो सी को ओपन करूंगा तो फाइल में जा कर के हम अगर ओपन करते हैं TC में,
यहाँ पर बिन के अंदर हमको चैट डॉट सीपीपी दिखाई देगा और सेम कोड हमको दिख रहा है यहाँ पर। केवल ये वाली हेडर फाइल नहीं होने की वजह से हम एग्जीक्यूट तो नहीं कर पाएंगे इसको, फिलहाल हम रन करेंगे तो दो एरर आ रहा है। दो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली हेडर फाइल जो है वो नहीं मिली उसको, ये VC++ की हेडर फाइल है। क्लियर है? यहाँ पर मैं अगर कोनियो लिख देता हूँ या STDIO लिख दूँ या वो लिख देता हूँ IO stream, तो ये चल जाएगा कोड, तो कंपाइलर में हेडर फाइल मिसिंग होने की वजह से नहीं चला। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सेम कोड जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डीबग फोल्डर के बारे में भी समझेंगे, मैं यहाँ पर डीबग पे आउटपुट आता है, मैं इसलिए इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पर सी आउट या प्रिंट एफ लिख देता हूँ, और हम C++ पढ़ रहे हैं इसलिए ये हमने लिखा। क्लियर? अब जब मैं इसको सेव करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर दो ऑप्शन है आपको, सेव और सेव ऑल। सेव करने से केवल ये वाली फाइल सेव होगी, सेव ऑल करने से ये सारी फाइलें जो है वो सेव हो जाती हैं, जो भी चेंजेस किया है आपने, मल्टीपल फाइल्स सेव होती हैं। तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो जब मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पर कोड जो है देखिए चेंज हो चुका है, यहाँ पर सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। मतलब मैंने वहाँ पर जो चेंजेस कर रहे हैं हम वहाँ पर, वो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है इस फोल्डर के अंदर। क्लियर है? अब देखिए डीबग फोल्डर खाली है, डीबग फोल्डर में आउटपुट आता है। आउटपुट कैसे आता है? जब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए जब भी हम रन करेंगे ना तो पहले बिल्ट होगा। प्रोग्राम क्या होगा? बिल्ट होता है। बिल्ट का मतलब होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके लिए exe फाइल क्रिएट होती है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वही हमारा आउटपुट होता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर बिल्ट करने वाला हूँ, देखिए बिल्ट ऑल किया मैंने। या जब आप रन करेंगे ना फर्स्ट टाइम तो जरूर बिल्ट होता ही है, तो मैं यहाँ पर रन ही कर देता हूँ। देखिए मैं रन करता हूँ तो बोल रहा है कि आपकी जो फाइल है वो नहीं बिल्ट नहीं हुई है, तो क्या आप इसे बिल्ट करना चाहते हैं? यस। जैसे मैं यस करूँगा, यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है आपको, यहाँ पर कंपाइल करने के बाद उसका मैसेज आएगा। देखिए ये बिल्ट का मैसेज, डिबग और सारी चीज़ों का मैसेज आता है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर यस किया, और कॉम्पेटिबिलिटी इशू है, मैंने आपको कल ही बताया था कि विंडोज 7 जो है 64 बिट के, और हम 32 बिट के एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर फोर्स रन करूँगा, देखिए यहाँ पर बिल्ट तैयार, बिल्ट करने के लिए तैयार हो गया है ये, और यहाँ पर 4 एरर्स आ रहे हैं आपके, और ये जो एरर आया देखिए इस टाइप का, इसकी वजह से एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर IO stream को इंक्लूड नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड, क्योंकि सी आउट जो है, सी आउट जो है वो IO stream के अंदर है। मैं इसको फिर से सेव ऑल करता हूँ, और दोबारा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ एरर्स आए हैं, यहाँ पर कुछ मिसिंग भी है और बहुत सारी चीजों का एरर आया है रिटर्न में। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसको सेव ऑल किया, दोबारा इसको रन करते हैं तो दोबारा ये बिल्ड करेगा, और कॉम्पेटिबल इशू आया, 2 एरर अभी फिर से आ रहे हैं। 2 एरर क्या आया? सेमी कोलन मिसिंग। ओके, यहाँ पर सेमी कोलन मिसिंग बता रहा है, एक्चुअली ये वाला ब्रैकेट मिसिंग है। ठीक है, और दूसरा एरर क्या है? न्यू लाइन इन कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब मैं फिर से सेव किया तो आपको यहाँ पर ये देखने के लिए भी मिला कि यहाँ पर एरर्स कैसे होते हैं और कंपाइलेशन कैसे हो रहा है, कंपाइलिंग कर रहा है चैट डॉट सीपीपी को, और किस लाइन पर एरर आ रहा है और कैसे एरर डिस्प्ले किया जाता है। 2 एरर डिस्प्ले हुआ, इसलिए हमारा जो डीबग फोल्डर था इसमें देखिए ये सारी जो फाइल है इनको इंटरमीडिएट फाइल्स कहते हैं। इंटरमीडिएट फाइल का मतलब होता है कि इसके अंदर पूरा ऐसे मशीन कोड जैसे होते हैं बट ये पूरी तरीके से एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं। देखिए ऐसा कोड होते हैं हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन इस इंटरमीडिएट फाइल्स को ही कंपाइल करके फिर बाद में जोड़ा जाता है, तो फिर वो हमको exe फाइल्स जो है वो मिलती हैं जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। तो कुछ इंटरमीडिएट फाइल्स यहाँ पर जनरेट हो गई हैं, जैसे ये हेडर की इंटरमीडिएट फाइल है, और ये VC की इंटरमीडिएट फाइल्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ इंटरमीडिएट फाइल्स है, बट आउटपुट फाइल जो exe फाइल है वो अभी तक हमको नहीं मिली है क्योंकि इसमें एरर्स आ रहे हैं।
इंटरमीडिएट फाइल्स इसलिए रेडी हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट में 6-7 फाइल्स हैं, तो इस फाइल में एरर है, बाकी ये दोनों हेडर फाइल्स में एरर नहीं है, तो इनकी इंटरमीडिएट फाइल्स रेडी हैं, इसमें एरर है, ये इनकम्प्लीट है। क्लियर। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर जो एरर्स थे वो सॉल्व कर दिए हैं। दोबारा मैं इसको सेव करूँगा और फिर से कंपाइलेशन हम करते हैं, बिल्ड करते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इशू के कारण। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जीरो एरर जीरो वार्निंग आ गया है और हम यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है और प्रेस एनी की, स्लैश एन नहीं लगा है इसलिए यहाँ पर इसके साइड में ही आ रहा है। तो हमारा आउटपुट रन हो गया और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट है वो चैट के अंदर, डिबग के अंदर chat.exe नाम से है। क्लियर है, यानी हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल रेडी हो गई है जिसका नाम है chat.exe। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो डिबग फोल्डर है इसके अंदर देखिए ये हमारा आउटपुट, ये हमारी जो एप्लीकेशन फाइल है ये आउटपुट फाइल है। अब हम इसको नेट पर या किसी दूसरे सीडी में या फिर किसी भी जगह पर इसको पब्लिश कर सकते हैं और जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करते ही ये वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमको आउटपुट देगा। इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये गेट सी एच की वजह से रुक नहीं पा रहा है। तो मैं इसको देखिए आपको आउटपुट कैसा दिखाता हूँ कि ई ड्राइव में मैं इसको रखता हूँ और आउटपुट कैसे दिखेगा chat.exe का। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। आप देखिए मैंने ये एक्सटर्नल कमांड बनाया, आपने डॉस पढ़ा होगा इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड, तो ये एक्सटर्नल कमांड बना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट, तो देखिए हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक एक्सटर्नल कमांड बना दिया है ये। तो आप अभी समझ पा रहे हैं कि डॉस का जो एक्सटर्नल कमांड है हम ऐसा बना सकते हैं, हमने एक्सटर्नल। अब इसको आप जब ओपन करेंगे तो इसका जो कोड है आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मशीन कोड बन चुका है, डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर, एग्जीक्यूटेबल फाइल या मशीन लैंग्वेज में ये तैयार हो गया है। तो आपने एक्सटर्नल कमांड बनाया जिसका नाम है चैट। क्लियर, तो इस तरीके से आप चैट से कमांड लाइन आर्गुमेंट ले करके अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने फिर से ऐड में गया। अब आप यहाँ पर ध्यान देना है आपको, मैं दोबारा कैसे ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पे न्यू में क्लिक किया है और प्रोजेक्ट में गया। अब मैं प्रोजेक्ट में यहाँ पर फिर से क्रिएट कर रहा हूँ स्टेटस। मैंने अभी चैट बनाया था, अब मैं स्टेटस बना रहा हूँ और ये एप्लीकेशन विजार्ड के थ्रू बनाऊंगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर क्रिएट क्या होगा, वर्क स्पेस मेरा होगा व्हाट्सएप। देखिए वर्क स्पेस है व्हाट्सएप, प्रोजेक्ट है मेरा स्टेटस। जैसे ही मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन एमएफसी एप्लीकेशन विजार्ड है, तो आप ध्यान देना है एमएफसी एप्लीकेशन विजार्ड जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि फॉर्म डिजाइन वगैरह ये सब चीजें जो है वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पर SDI यानी सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MDI यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस तैयार करेगा और विजार्ड दे रहा है यानी आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हेडर फाइल्स ओनली, डेटाबेस सपोर्ट, और आप यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए, डेटा सोर्स अभी नहीं। सारे ऑप्शन सर्वर अभी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। तो देखिए हमारी अब क्लास व्यू, देखिए क्लास व्यू, रिसोर्स व्यू और फाइल व्यू। यहाँ पर रिसोर्स व्यू एक एडिशनल चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखिए मैं क्लास व्यू में जा रहा हूँ तो पहले से इतनी सारी क्लासेस बनी बनाई उनको मिल रही है। देखिए क्लास, क्योंकि ये डिफॉल्ट GUI एप्लीकेशन है, हमको बहुत सारी चीज पहले से बनी बनाई मिल गई है। तो देखिए स्टेटस ऐप के अंदर 3 इनिशियलाइजेशन और ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ और दूसरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मेरा जो F ड्राइव है उसके अंदर यहाँ पर स्टेटस नाम का एक फोल्डर बना है। अब आप यहाँ पर देखिए कितनी सारी फाइल्स, हेडर फाइल्स, चाइल्ड फॉर्म, मेन फॉर्म और बहुत सारी हेडर फाइल्स पहले से बनी बनाई हमको मिल गई, कोड करने की जरूरत नहीं है और हमको डिबग में कुछ भी नहीं मिला। रिसोर्स में ये आइकन्स वगैरह, ये सब आइकन्स टूल बार वगैरह मिल रहे हैं।
क्लियर है। अब मैं इसको रन भी कर देता हूँ, रन करके देखिए मैंने इसको रन किया यहाँ पर, तो बिल्ड करने के लिए बोलेगा और मैं बिल्ड कर दूंगा इसको, दो तीन बार कंपाइलेशन हो रहा है नीचे, आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस में बार बार कंपाइलेशन हो रहा है, जीरो इस, अब हम डिबग में जाएंगे तो हमको यहाँ पर देखिए स्टेटस डॉट exe मिल गई है। स्टेटस डॉट exe पे क्लिक करते ही, यानी कि मैं यहाँ से रन कराता हूँ आपको, तो देखिए क्या हो रहा है, ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए MS बिल्कुल मेन्यू बन रहा है, यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, बिल्कुल GUI जैसा देखिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि सी में हम ऐसा फॉर्म डिजाइन कर पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे वीबी में हम जैसे फॉर्म डिजाइन करते थे, मेन्यू बनाते थे, वैसा हम सी में कर पा रहे हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर हम एक्सटर्नल कमांड तैयार किया है हमने, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ई ड्राइव में ले जाता हूँ। अब देखो मैं इसको ई ड्राइव में कॉपी कर देता हूँ जहाँ पर मैंने चैट रखा था। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैट तो आएगा हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टेटस क्या होगा, देखियो ये नोट पैड जैसा ओपन हो गया, फाइल ओपन, क्लियर है। तो ये जो पूरा बना है ये कैसे बना है, MFC एप्लीकेशन विजार्ड माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन लाइब्रेरी के द्वारा बना है। तो आप देख रहे हैं VC++ से आप यहाँ पर GUI भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखने भी मिलेगा कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन विजार्ड हमने तैयार किया है, इसमें रिसोर्स व्यू में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए डायलॉग्स मिलेंगे, इस डायलॉग बॉक्स है, मेन्यू मिलेगा, टूल बार मिलेगा, स्ट्रिंग टेबल मिलेगा। तो स्ट्रिंग टेबल में आप यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है, देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसमें प्रोसीजर है बट आप काफ़ी आसानी से इसको देख करके समझ भी सकते हैं। तो ये आपका टूल बार है जैसे न्यू, सेव, क्लियर, तो इनको आप